नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर की जंडियाला गुरु पुलिस ने गैंगस्टर राणा कंदोवालिया के तीन साथियों को किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल, तीन कारतूस, दो गोलियों के खोल और हेरोइन की बरामद। जालंधर के हरगोबिंद नगर के पास एक खाली प्लाट में से लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। लहरागागा पुलिस ने भैंस व्यापारी से लूट करने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, दो मोटरसाइकिल किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर की जंडियाला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जंडियाला पुलिस ने गैंगस्टर राणा कंदोवालिया के तीन साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें से पकड़ा गया एक आरोपी गुरु पवन दीप सिंह उर्फ बिहारी शार्प शूटर है। पुलिस को इन तीनों व्यक्तियों की लंबे समय से तलाश थी। CIA स्टाफ की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद ये आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें जंडियाला गुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस, दो गोलियों के खोल और हेरोइन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरु पवन बिहारी जिहड़ा 5-6 मुकदमे दे विच पीओ चलिया आ रहा सीगा, इहनू अरैसट कीता कल। ये को अपना 307 एक परजा हूँ जोड़ा नवा होया, तो एक 260 ग्राम हेरन बरामद की है। देसी पिस्टल एक कटा तो नाल तीन राउंड को बरामद की है। अब पुराना रिकॉर्ड राणे कंदोवाली रहा है, तो हूँ भी यह सरगर्मी है, तो कई वारदा लड़ींदा वा। तो हूँ रिमांड लैके पूछताछ करा, तो ये बाकी भी जो होर भी इन्हें वारदात की उन्होंने भी खुलासे हो गए। जालंधर पठानकोट रोड पर हरगोबिंद नगर के पास एक खाली प्लाट में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इसका पता तब चला जब कुछ लोग वहां से निकल रहे थे, तो खाली प्लाट से गंदी बदबू आ रही थी। जब लोगों ने देखा तो प्लाट में कुछ दिन पुरानी एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी थी, जिस लाश पर कीड़े चल रहे थे। लाश 4-5 दिन पुरानी लग रही थी। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान करवाने का प्रयास किया और आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल कर मामले की जांच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमने यह जी 8:30 बजे सामने इनफॉरमेशन मिली थी कि बजरिया कंट्रोल रूम भी एक प्लाट के विच बॉडी पई है, डेड बॉडी पई है। आने के मौके पर तहकीकात की है। मंगता टाइप मेल आदमी है, जिदा इतने रास्ते मंगते होंगे मैले वे कपड़े पाए आ, जिस तरह भी इतने कि इतने आके लम्मा पै गया, मुड़ के ये को उठ नहीं होया, तो इतने यदि जी मौत हो गई। मौत कुदरती ही हुई जापती है, क्योंकि कोई सट चोट नहीं आ रहा, लगे सारा कुछ चेक किया जी। मामला सर यह है भी आपूर हॉस्पिटल एम्बुलेंसा खड़िया हो इतने कैपीटल भी साढ़िया खड़िया होंगे जी। असं कैपीटल आ रहे थे एम्बुलेंस लैके अपनी, तो मौके पर देखा भी इतने सारे मटीरियल जिदा पब्लिक सारे सारे कट्ठे से, तो असी रुके तो असं पूछा की गल है, कहते भी इस करके बॉडी पई है। बॉडी देखी असी मतलब काफ़ी उस बदबू आ रही थी, कीड़े पे हुए थे, तो असी मौके के जरा 8 नंबर थाना आ उन्होंने इंक्वायरी कराई आ। फौज में तैनात जवान ने भैंस बेचने के बहाने भैंस व्यापारी से अपने दो साथियों सहित 70,000 रुपए लूट लिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए लहरागागा के DSP पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले भैंसों के व्यापारी को भैंस बेचने के लिए फोन कर बुलाया गया, जिसके बाद तीन व्यक्तियों ने भैंसों के व्यापारी से मारपीट करने के बाद उसके पास से 70,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इतना ही नहीं, व्यापारी का मोबाइल रोड पर जाती ड्रेन में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि लहरा पुलिस और टेक्निकल सेल की मदद से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक आरोपी फौज की छुट्टी पर आया हुआ था।
फिलहाल तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है, जिससे उनकी आगे की पूछताछ की जा सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मुद्दा तो यही है जी, मेरी 24/5 तकरीबन 11 बजे के करीब अमनदीप सिंह जिहड़ा मझां दा व्यापारी सी उहदे कोलों 70,000 की संगतपुर ट्रेन के उपरों खोह हुई सी। अणपछाते व्यक्ति 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल दे ते खोह करके चले गए। ये संबंध में SSP साहब की गाइडलाइन से साड़ी टीम ने मेहनत करते हुए जो टैक्निकल सैल ने SHO ले रहे हैं मेहनत करके ट्रेस करके जी जो दोषी से उन्होंने नामजद किया तो उन्होंने गिरफ़्तार किया। कितों कितने जी बंद यह 3 दोषी जी चीमे तो ने जी, एक गंडुआ तो, एक किशनगढ़ मानसा तो जी। इस तो बिना भी कोई चीज़ इन्होंने बराबद हुई है इन्हों का मोटरसाइकिल जो वरत्या गया जी एक जो इन्होंने एक अपने गिराली गंडासी टाइप बनाई हुई थी साइकिल की बना के एक वो जो मारी थी लत के उपर जो भी बराबद हुई है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को माननीय अमृतसर अदालत में पेश किया गया। इससे पहले भी जग्गू भगवानपुरिया को अदालत में पेश किया गया था, जिसके चलते जग्गू भगवानपुरिया का रिमांड खत्म होने के बाद उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की पुलिस टीम इसे मीडिया से बचाकर अदालत में पेश करने के लिए लेकर आई थी, तो वहीं माननीय अदालत की ओर से जग्गू भगवानपुरिया को 3 जून तक के रिमांड पर भेजा गया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी की ओर से मीडिया से काफी दूरी बनाने की कोशिश की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया को आर्म्स एक्ट के तहत अदालत में पेश किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर थाना सदर की चौकी विजय नगर द्वारा 24 घंटों में 2 लुटेरों को चोरीशुदा मोबाइल सहित काबू करने में सफलता हासिल की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि शिकायतकर्ता लवकुश ई रिक्शा चलाता है और वह रात्रि 9 बजे के करीब विजय नगर बटाला रोड अमृतसर से पैदल ही अपने घर मुस्तफाबाद को जा रहा था। इस दौरान 2 नौजवान काले रंग के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आए और उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल छीनकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वीरका बाईपास अमृतसर की तरफ निकल गए, जिसके बाद थाना सदर के मुख्य प्रभारी और अमृतसर पुलिस पार्टी के SI सुशील कुमार ने अपने कर्मचारियों सहित मामला दर्ज कर हर पहलू पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटों में ही इस लूट की वारदात को हल करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने दोनों आरोपी अशोक कुमार और जगदीश कुमार निवासी अमृतसर को काबू कर लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर दी चौकी विजयनगर विखे कल बंके बिहारे वाली गली च लवकुश नाम दा लड़का जिस कोल वीवो फोन सी ते वो पैदल जा रहा सी ते 9 बजे रात के करीब एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल ते 2 नौजवान जिन्हों का नाम अशोक सिंह सानो विजय सिंह जो कि दशमेश रहने वाला ते दूसरा जगदीश कुमार और फ्रमन सन फरजन कुमार जो कि SG कलेर के नज़दीक का रहने वाला। इन दोनों नौजवानों ने उस तो झप मार के उस तो मोबाइल खोया तो उदो मौके तो फरार हो गए। उस तो बाद विजयनगर की पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के नाल बड़ी मेहनत के नाल 24 घंटे के विच ये दोनों नौजवानों अरैसट करके इन्हों तो जो वीवो मोबाइल की खोह की सी वह बरामद किया वा। जो ये दोनों नौजवान इन्हों के पहला कोई मुकदमा नहीं है, इन्हों तो अगलेरी असी हजे कोर्ट पेश करके रिमांड लैके अगे पूछताछ करांगे। सानू पूरी उम्मीद है कि इन्होंने होर भी वारदातें की हो सकती हैं। अमृतसर में DGP पंजाब के आदेशों पर हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 के माध्यम से पुलिस को प्राप्त होने वाली शिकायतों या मुश्किलों को मौके पर पहुंचकर पहल के आधार पर सुनकर निपटारा करने के लिए एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 112 उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी के तहत पुलिस कमिश्नर अमृतसर के दिशा निर्देशों पर DCP हेडक्वार्टर वत्सला गुप्ता की ओर से पुलिस कमिश्नर कार्यालय अमृतसर से कमिश्नरेट अमृतसर की 5 सब डिविजनों में 7 व्हीकलों को रवाना करके ERV 112 की शुरुआत की गई।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये वाहन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इन वाहनों में तैनात पुलिस टीमों की ओर से लोगों द्वारा हेल्पलाइन नंबर 112 से पुलिस कंट्रोल रूम और अमृतसर शहर में रोजाना प्राप्त होने वाली शिकायतों का मौके पर पहुंचकर निपटारा किया जाएगा। इन टीमों के पास एक एक टैब होगा और रिकॉर्ड की प्राप्ति के लिए एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक में शिकायत की पूर्ण डिटेल दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वाहन में 4 पुलिस कर्मचारी जिनमें एक ड्यूटी अधिकारी, 2 लेडीज पुलिस और पंजाब पुलिस महिला मित्र को तैनात किया जाएगा और इन वाहनों में कर्मचारी 24 घंटे की शिफ्ट वाइज ड्यूटी करेंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू 13 गड्डियां हैं जो 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन रिस्पांस में रिसीव हुई हैं, अर्टिगाज हैं, और आज हमने इनको डिस्पैच किया है। अपने जो हमारी महिला मित्र की टीम है वो आज इनको लेके गए हैं सारा वेरिफिकेशन करने के लिए। जहाँ भी लोगों को ये शिकायतें आती हैं जी पुलिस मौके पे नहीं पहुँचती, आज से वो सारा हम रिस्पांस टाइम कवर अप करेंगे। सारा का सारा हमारी जो फीमेल पुलिस है, जो महिला मित्र हैं, ये जाके मौके पर अपना कार्रवाई करेंगे। नाल इनके साथ एक ड्यूटी अफसर है और पर डे ये हमारी एटलीस्ट हमारी 100 जो लोगों की परेशानियां हैं वो ये दूर करने का हमारा टारगेट है। मैम कितनी गाड़ियां आज दी गई हैं? आज हमने 7 गाड़ियां डिस्पैच की हैं अलग अलग हमारे जोन्स और सब डिविजन। अमृतसर की अदालत में शीयद अध्यक्ष सुखबीर बादल और विरसा सिंह वल्टोहा सहित अनेकों अकाली नेताओं की पेशी थी, पर किसी कारण सुखबीर बादल अदालत में पेश नहीं हो सके। सुखबीर बादल की ओर से अपने निजी कारणों के कारण माननीय अदालत से पेशी में छूट मांगी गई थी, तो वहीं अकाली दल के नेता विरसा सिंह वल्टोहा पेशी पर पहुंचे, जहां माननीय अदालत की ओर से अगली पेशी की तारीख 17 जुलाई रखी गई है। इस मौके पर विरसा सिंह वल्टोहा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई वरिष्ठ अकाली नेताओं ने कहा कि उन सब पर ब्यास में गैर कानूनी माइनिंग को लेकर कांग्रेस सरकार के समय केस दर्ज किया गया था, जिसके चलते 17 जुलाई की तारीख माननीय अदालत की ओर से दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सुखबीर सिंह बादल ते बाकी होर अकाली दल दे सबका एमएलए से बाण दे उते ते अकाली वर्कर से बाण दे उते ब्यास थाने च मुकदमा दर्ज किया गया सी। उस समय की सरकार वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों एक राजनीतिक रंजिश नूं लैके और उहदियां लगातार तरीकां पै रहियां ने। अज भी तरीक सी उहदी और अगली तरीक जिहड़ी है 17 जुलाई जिहड़ी है वह मुकर्र की गई है। सर सुखबीर सिंह बादल होरां दी जिहड़ी अज एग्जेम्पशन सीगी, उहनां दी मजबूरी सी, अज कोर्ट विच उह हाज़र नहीं हो सके। हाँ जी, ते अगली 17 जुलाई जिहड़ी है मुकर्र की गई। पंजाब की नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही है, जिसका ताजा मामला सामने आया है नाभा में, जहां नाभा के रिपू दमन कॉलेज ग्राउंड के बाहर 2 नौजवान नशे में धुत होकर ग्राउंड में खेलने आए नौजवानों के दुपहिया वाहन को चाबी लगा रहे थे कि इस दौरान कुछ नौजवानों द्वारा उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस दौरान जब वे अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक्टिवा को लेकर भागने लगे तो नौजवानों ने मौके पर ही उनकी छितर परेड कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उक्त नौजवानों ने माना कि ये उनकी पहली चोरी थी और वे पकड़े गए। ये चोर दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती का एहसास करते हुए भी नजर आए, तो वहीं नाभा पुलिस की ओर से चोरों के खिलाफ बनती कार्रवाई करने की बात कही गई है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। दारू पीने लगे गलती होगी मान रहे, अगे कदे करियो नहीं, ना सानू पता
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰ ਮਾਜਰੇ ਪੁਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰ ਮਾਜਰੇ ਪੁਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੀ ਜੇ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆਹ ਮਨ ਆਹ ਲੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣੂਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥਾਣੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂ पंजाब सरकार की ओर से बिजली खपतकारों के लिए शुरू की गई ओटीएस स्कीम के तहत जंडियाला गुरु कार्यालय में बॉर्डर जोन के प्रमुख इंजीनियर रुपिंदरजीत सिंह रंधावा की अगुवाई में पब्लिक मीटिंग की गई जिसमें उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ओटीएस स्कीम के बारे में बताया उन्होंने बताया कि जिन बिजली खपतकारों के बिजली के बिल बकाया हैं या कनेक्शन पक्के तौर पर काटे हुए हैं इनको इस स्कीम का लाभ लेना चाहिए इस स्कीम का लाभ लेने के लिए औद्योगिक खपतकारों को 5,000 रुपये और गैर औद्योगिक श्रेणी के खपतकारों को 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करवानी पड़ेगी जो कि अंतिम निपटारे योग्य रकम में एडजस्ट कर ली जाएगी उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम निपटारे योग्य रकम को 4 किश्तों में भी जमा करवाया जा सकता है उन्होंने इस दौरान खपतकारों को अपनी मुश्किलें बताने के लिए प्रेरित किया और खपतकारों द्वारा बताई गई मुश्किलों का मौके पर ही निपटारा भी किया गया जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट पंजाब सरकार ने बड़ा ही वधिया कदम चुकया है लोगों के बहुत देर दे कनेक्शन कई कटे है किसी मजबूरी कारण कोई पैसे नहीं दे सकता या होर घरेलू प्रॉब्लम है कोई इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है वो पैसे बड़ी देर से खड़ी साड़ी डिफॉल्टी अमाउंट खड़ी सी सरकार को भी नुकसान हो रहा है तो लोगों जिन्हें कनैक्शन नहीं चलते उन्होंने नुकसान हो रहा है वो पिछले सरकार एक ओटीएस स्कीम लैके आई है जिन्हों वन टाइम सैटलमेंट स्कीम कहते हैं जोड़ा रेट ऑफ इंट्रस्ट सगा जोड़ा पंदा वो घटा के अद्धा कर दिता है उस तो बाद जो मिनिमम चार्जिस जो कनैक्शन लाने पिछले लगते थे वो भी खत्म कर दिए है 6 महीने कर दिए है जे किसी बंद का 4 साल तो कनैक्शन कटिया होया है अजो लवाना चाहता है उन्होंने कोई मिनिमम चार्जिस नहीं लगनगे सो 6 महीने के लगनगे और जे 6 महीने तो घट है तो उन्होंने कोई भी नहीं लगनगे इस तरह उन्होंने ये भी किया कि जो पैसे जो घट जाते हैं और दिन किश्तों का भी इंतजाम किया किश्त दे के बंदा अपना कनैक्शन चालू करवा सकता है ये सरकार की बहुत ही वधिया स्कीम है जिहड़ा कि मैं सारे अपील करदा कि इसनों वध चढ़ के हिस्सा लैन साढ़े जिहड़े कर्मचारी अधिकारी है वो उन्हां दा पूरा साथ देंगे जे कोई प्रॉब्लम आती है ये साढ़े उच्च अधिकारियों तक दसन आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नाम पर 1,000 रुपयों की ठगी की गई है उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल की दुकान पर फोन करके कुंवर विजय प्रताप सिंह का पता बताकर 1,000 रुपयों के मोबाइल मंगवाता है उन्होंने बताया कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है किसी व्यक्ति की ओर से उनके कार्यालय और उनको निशाना बनाया जा रहा है उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा और भी 1-2 शोरूमों में फोन किए गए हैं उक्त व्यक्ति आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वहीं उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति द्वारा बड़े ही शातिर दिमाग से फोन की डिलीवरी जालंधर से ली गई शोरूम के मालिक द्वारा उन्हें संपर्क कर मोबाइल के पैसे मांगे गए तो यह सच सामने आया उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति ने 23,500 रुपयों का फोन ले लिया है इस संबंधी उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उक्त व्यक्ति उनके कार्यालय की गतिविधियों से अच्छी तरह से वाकिफ है और उनके कार्यालय के कुछ व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता भी है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मेरे नाल तो गल नहीं हुई मेरे बेटे नाल गल हुई ते उन्हां दा मैनूं फोन आया कहिंदा जी इस तरह फोन उन्होंने उत्थे जाना मैं कहा जी बिल्कुल भेज दो कोई दिक्कत वाली गल नहीं नो प्रॉब्लम ठीक है जी कुंवर विजय प्रताप सिंह उन्होंने नाम ही बहुत है उन्होंने पता जी उत्थे सोने के तोते पैसे उस वेले पैन है कोई दिक्कत वाली गल नहीं बट जदों मैनू यह एहसास होया कि यह फ्रॉड हैगा तो बीइंग ए रिस्पोंसिबल सिटीजन ऑफ अमृतसर एंड इंडिया मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हों बंदे नू तय चो बाहर कड़ा तो उन्हों करब करा ताकि वह किसी होर दे नाल धोखा ना कर सके 23,000 रुपये की कोई गल नहीं है लेकिन मोटिव सिगा कि वह बंदे नू पर्दा पर्दाफाश होना चाहिए
ताकि बाकियां दे नाल बाकी होर शहर वसनीकां दे नाल कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। जिसले इन्हां ने डिलीवरी दे के आए मैं राती इहनूं फोन कीता लड़के नूं, मैं कहा बेटा जी उहदी पेमेंट ऑनलाइन अकाउंट दे विच नहीं आई। इह कहिंदा कहिंदा जी मैं हुण उहनां नाल गल करां। मैं कहा जी बिल्कुल गल करो। मैं इहनूं लड़के नूं उसे वेले कहता, मैं कहा जिहड़ा इह सिस्टम है ना कि फोन उहनूं दे दिओ इस तरह कर लो, ये गलत है। कि जिस तरह एक होर मोबाइल की दुकान दे विच उन्हें फोन किया सी, वो आसू टेलीकॉम करके है, उन्होंने कोई रिस्पोंस नहीं दिता। इन्होंने साडा नाम सुन के, चलो आउट ऑफ रिस्पैक्ट कह लो, इन्होंने उन्हें मोबाइल फोन डिलीवर करा दिता जी। ठीक है, हो सकता है कि होर भी बहुत सारे लोग होंगे जी, सिर्फ 23,500 का नहीं है, हो सकता है कि होर भी कई लोग होंगे जिन्हां नूं उन्हें टारगेट किया होगा। लेकिन सानू लग रहा है जिस तरीके दे नाल वो बंदा गल कर रहा है, मैं तुहानू सुना रहा जी, कि वो साडे दफ्तर दी गतिविधि तो परिचित है, दो चार व्यक्तियों नूं क्लोजली जानता है, दो चार व्यक्तियों नूं वो क्लोजली जानता है जी। ठीक है कि नहीं? तो इस करके सानू ये लग रहा है कि वो व्यक्ति जान बुझ के साडे दफ्तर नूं टारगेट कर रहा है, साडी इमेज नूं खराब करना चाहुंदा है। सिर्फ फ्रॉड करदा ना 23,500 दा, मैनूं कोई दिक्कत नहीं सी, ठीक है ना, इन्हां नूं दिक्कत सी। अमृतसरी युवाओं की अपार खेल क्षमता को देखते हुए और उन्हें निखारने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने की दृष्टि से सिडाना इंस्टीट्यूट अमृतसर ने सिडाना क्रिकेट और स्पोर्ट्स अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉक्टर जीवन ज्योति सिडाना ने कहा कि सिडाना क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा ज्यादा जोर आउटडोर गेम्स पर दिया जाएगा, जबकि इंडोर खेल हर जगह उपलब्ध करवाए जाते हैं और इन्हें आसानी से ऑनलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है। आउटडोर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, खासकर हमारे युवाओं के स्वास्थ्य और भलाई के हित में, और इस तथ्य के मद्देनजर कि उनमें खेल की अपार क्षमता है जिसे मान्यता, प्रशिक्षण और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंजाब के खेल मंत्रालय से बातचीत की जा रही है, आने वाले कुछ महीनों के भीतर सब कुछ पूरा करने की कोशिश करेंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच मैं दसना चाह रही हूँ कि जिवें सिडाना इंस्टीट्यूट पिछले 36 ईयरस तो अमृतसर की सेवा करता आ रहा है, और असी हुण तक सिर्फ एजुकेशन के फील्ड सीगे, लेकिन पिछले 2 सालों तो असी हैल्थ केयर के फील्ड भी आ गए हैं, और असी हैल्थ केयर के फील्ड जिन्हियां भी गवर्नमेंट दी योजनावां ने उन्हां दा पूरा बेनीफिट पेशेंट तक पहुँचा रहे हैं। हुण हैल्थ केयर तो अगे चलते हुए असी ये फील कर रहे सीगे कोविड दे टाइम दे जिहड़े साडे बच्चे ने उन्होंने अंदर रह के और ऑनलाइन एजुकेशन दा काम करके ग्राउंड्स तो बहुत दूर चले गए ने। सो नाउ वी हैव एंटर्ड द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ऑलसो। सो असी अपने सिडाना कैंपस के विच एक सिडाना क्रिकेट अकैडमी और एक सिडाना स्पोर्ट्स अकैडमी 2 सैटअप कीतियां ने, जिहदे विच असी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके बच्चों जोड़े बहुत ही टैलेंटेड कोचिज ने उन्होंने कोचिंग दिला के नैशनल और इंटरनेशनल लैवल उत्ते ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोक गायक पम्मी बाई ने अपने पिता फ्रीडम फाइटर स्वर्गीय प्रताप सिंह बागी की याद को समर्पित ड्रीम प्रोजेक्ट गांव की लाइब्रेरी को साहित्य सभा दिल्ली, पंजाबी एकेडमी और पंजाब के नामवर साहित्यकारों के सहयोग से रीओपन किया, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विशेष तौर पर उपस्थित होकर किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने इस लाइब्रेरी को ज्ञान का भंडार बताया। वहीं पम्मी बाई ने इस लाइब्रेरी को रीओपन करने संबंधी बताया कि इलाके के लोगों, खासतौर पर विद्यार्थियों को यह प्रयास बहुत भा रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इसका मकसद यही सी कि ये स्कूल के प्रमिसेस दे विच बनाई है कि बच्चे भी इसका फायदा उठा सकन। 5,000 बुक्स जिहड़ी हैगी है वो असी इत्थे रखी हुई है, हर तरह का न्यूज़पेपर इत्थे आउंदा, हर तरह का मैगजीन जिहड़ा हैगा वो आउंदा है, तां कि मेरे पिंड दे लोकां नूं भी जिहड़े अखबार पढ़ना चाहुंदे ने, किताबां पढ़ना चाहुंदे ने, वह भी फायदा उठा सकन, ते साडे पिंड दे बच्चे जिहड़े इस स्कूल च पढ़ते हैं या बाबा परमानंद स्कूल च पढ़ते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਈ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਹੋਣੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਹੋਣਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੇਕਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਕਾਲ ਪਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕਰ ਛਾਵਨੀ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ 7 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਾ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗੋਂ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੂ ਕੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ BKU ਡਕੋਂਦਾ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਔਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਸੇ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਪਰ ਚਲੇ ਆਂਦੋਲਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਯੇ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆਂਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਦਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਤ ਵਾਇਦੋ ਸੇ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਮੰਗੋ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਕਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਸਦੱਸਿਓ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦੱਸਿਓ ਕੋ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਂਸਦ ਸਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਗਰ ਵੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਇਨ ਨੇਤਾਓਂ ਕਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੇਂ ਸੇ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਕਾਰਿਓਂ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਂ ਟਰੱਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਕੇ 400 ਵਰਸ਼ੀ ਆਗਮਨ ਪਰਵ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨੀ ਓਬਰਾਏ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਪਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਕਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਸਹੀ ਮਾਇਨੋ ਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਕਲਪ ਪਰ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਯ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਜੈਸੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋਂ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਕਾ ਵੀ ਅਬ ਆਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਾ ਇਸ ਕਾਰਯ ਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਭਾਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ 2 ਚੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸਰ ਬਲਵਾਈ ਹੈ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਦਾਨੀ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗੀ ਤਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਹੋਏਗਾ
जे असं कितने बहरों कराने तो सानू 300-350 उस बाद भी खर्च हो जाता है। इतने सिर्फ 70 रुपीज़ 70 रुपए खर्च होया करेगा और बहुत सोहनी क्वालिटी होएगी। सो कोई कारण नहीं होएगा कि कोई इनू एक्सैप्ट ना करे एक्सीडेंट में। सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों इस चीज़ को देखते हुए जोड़ा पोअर पेशेंट है वो इलाज तो दूर की गल है, वो टैसट भी नहीं करा पाता। टैसट बहुत महंगे हुए थे तो पहला स्टैप असी लबोरटरी तक रखे तो साढ़िया हूँ तक तकरीबन 89 लबोरटरी साढ़िया खुल चुकी ने। सो इतें भी पहला लबोरटरी खोली थी। सो अज इतने फिजियोथेरेपी सेंटर और वो बाद डेंटल क्लीनिक जिंद अज उद्घाटन होता साढ़े बहुत सत्कार जो मंत्री जी डॉक्टर निजर साहब ने किया अब पब्लिक को समर्पित करती हैं डॉक्टर रखे गए हैं। इस तो बाद जो एक्चुअली भाई उधम सिंह सोसायटी का मैं बहुत धन्यवाद करना कि यह सारी बिल्डिंग जी है आलीशान बिल्डिंग उन्होंने बना के सूँ दी और सूँ मौका दिता कि असी इतने सारिया सेवावान पब्लिक को दे सकी। इस तो बाद जो अगले साढ़े दो प्रोजेक्ट जिन डॉक्टर साहब ने दस कि डिजिटल एक्सरे जरा वो बहुत जल्दी लग जाएगा तो नाल दी नाल अल्ट्रासाउंड भी मेरे ख्याल पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब का इंतजाम हो गया। सो उन्होंने डॉक्टर साहब के नाँ के उत्ते अल्ट्रासाउंड जो वो भी असं बहुत जल्दी लगा देंगे। सो 5 सहूलत दे रहे हैं। एक मैं दसना चाहगा कि जितने असी 100 लबोरटरी खोलनी है हूँ जरा असी अगली स्कीम शुरू की है कि उन्होंने 100 की 100 जगह के 5 फैसिलिटियां असं दे रहे हैं। संगरूर के सर्कल बिजली कार्यालय में सुबह बिजली मंत्री हरभजन सिंह और लहरा के विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल ने हाजिरी रजिस्टर की चेकिंग की और लोगों की मुश्किलों को सुना। इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि वे संगरूर के सर्कल कार्यालय में हाजिरी रजिस्टर चेक करने पहुंचे हैं जिसमें पूरे कर्मचारी हाजिर पाए गए हैं। पंजाब में धान के सीजन के चलते किसानों को निर्विघ्न बिजली देने के लिए मीटिंग भी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पूरे पंजाब में निर्विघ्न बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगरूर की एक कॉलोनी का मामला सामने आया था जिसके लिए एसएसपी संगरूर को बोल दिया गया है जिसे जल्द ही हल किया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। गैर हाजिरी कोई नहीं है, सारे मुलाजम जड़े ने हाजिर ने। एक्चुअली साडा दिस इज रूटीन विजिट ते साडे झोने का सीजन आ रहा अगे। मान साहब की सरकार जी निर्विघन सप्लाई देने वास्ते वचनबद्ध आ। सो इस करके असी सारे दफ्तर होर एक्टिव करने वास्ते जरा ये विजिट की। पंजाब के बाजारों में ट्रैफिक समस्या को लेकर काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। अगर रियासती शहर नाभा की बात की जाए तो नाभा के मेन बाजार बॉर्डर गेट से लेकर सरकारी अस्पताल तक लोग चौपहिया वाहन खड़े कर चले जाते हैं। इसी सड़क पर सरकारी अस्पताल हैं, जब एमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस चालक को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या कई वर्षों से इसी तरह से चली आ रही है, लेकिन अब नाभा के एसडीएम तरसेम चंद की ओर से चालान बुक हाथ में लेकर खुद ही लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। एसडीएम के इस प्रयास को देखकर शहर निवासी भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये नाभा के पहले एसडीएम है जो एसी कमरे को छोड़कर खुद ट्रैफिक की कमान संभाल रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। शहर वासियों वालों ही दुकान बहुत सारे दुकानदारों वालों शहर वासियों वालों ही बेनती की गई सी भी ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। इस करके ही मैं जिहड़ा हैगा जी पहला दिन हैगा एंड कई वार्निंग दे के छड्डिया हैगा भी अगे तो ना करन। दुकानदार भरावां नूं भी बेनती मैं की है भी जिहड़ा सिविल सर्जन के पार्किंग बनी हुई हैगी उत्थे आपदे गाहकां नूं कहण। अज किन्ने के चलान कीते? अजे 3 कीते ने जी। की लगता भी जिवें इतने काफ़ी ट्रैफिक रहती है, जिवें इतने हॉस्पिटल भी आ जो एम्बूलेंस आ काफ़ी समस्या का सामना करके पूरी दीवार बनी होंगी है कारा की? हाँ जी बिल्कुल समस्या है, ताइयों ट्रैफिक पुलिस वाले भी हम खड़े से आए से वो स्कूलों के बाहर जोड़े कोई माड़े अंसर खड़े आ उन्होंने गल पाने लिए गए हुए हैं एंड ट्रैफिक जी पुलिस है उन्होंने वालों भी किया जाऊगा तो मेरे वालों भी समय समय तो किया जाएगा। गब्बे गड्डिया खड़ा देते हैं, गड्डिया करके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता जी। एस डी मतलब बहुत वधिया कदम चुकया गया है जो अज्ज गड्डिया ने इन्होंने चलान कटे ने जी, ये कुछ बहुत फर्क पै जूगा जी। हम गड्डिया जी खड़ा के चले जाते हैं बाजारों में घूमने चले जाते हैं जी, 2-2 घंटे गड्डिया खड़िया रहते हैं जी, जिस नाल ट्रैफिक सारा जाम हो जाता जी। दुकानदारी से भी थोड़ा फर्क पैंदा? हाँ जी हाँ, बाजार के जाम लग जाता जी, जाम लगन करके गाहक खड़ते भी नहीं है जी, फिर लोग ट्रालियाँ की गड्डिया की खड़ा के बाजारों में भज जाते हैं जी, जिस करके दुकानदारों को भी दिक्कत आ रही है जी। हाँ जी हाँ, जो किसी ने जाना होंगे किसी कोई पेशेंट लैके जा रहा होंगे एम्बुलेंस का इधर जाम लगन करके दिक्कत आती है जी।
मां बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में मासिक मां बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, मां बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमानों से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वही इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग धर्म से होते हुए गुजरता है और धर्म में कही गई यह बात सत्य है। वहीं उन्होंने कहा कि परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने के बावजूद परमात्मा एक ही है, ईश्वर निराकार है, सभी जगह समान रूप से विद्यमान है, स्थिर है, एक रस है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ईश्वर के निराकार रूप को जान लेता है तभी वह ईश्वर को एक मान पाता है। तो वहीं इस अवसर पर श्रीकंठ जज श्वेता भारद्वाज, जोगिंदर सिंह, रोहित शर्मा, आचार्य डॉक्टर लोकेश शर्मा, मनदीप, राकेश प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार, गोपाल मालपानी, अमित कुमार, विवेक शर्मा, रमाकांत शर्मा, बाबा जोशी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मुकेश चौधरी, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, गुलशन शर्मा, संजीव, राजेश महाजन, दिशांत शर्मा, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर गुप्ता, मनबीर, विनोद खन्ना, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, मनप्रीत, प्रिंस, दिनेश चौधरी, दीपक, सौरभ मल्होत्रा और प्रदीप सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज मां बगला मुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नजदीक स्थित है, मां पीतांबरा के भव्य मंदिर दे विच अज सवेर तो ही जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ दे लई बहुत सारी संगत दूरों दूरों, कोई बठिंडे तो है, लुधियाने है, अमृतसर तो है, पठानकोट तो है, पंजाब तो है, पंजाब के बाहरों है, बहुत सारी संगत ने आके महामाई के दरबार से नतमस्तक होए है और अपन हाजरियां लगाईया। मां पीतांबरा के चरणों च बारंबार यही प्रणाम है और यही अरदास है कि हे जगदम्बा अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरे हाथ रखो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि मां बगला मुखी धाम जो समाज की सेवा लई तत्पर है, हर वीरवार को सवेरे 6:30 to 7:30 हवन यज्ञ होंदा है महामाई का एक दिव्य, और हर शनिवार शाम 7 to 8 हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। मासिक हवन महीने के आखिरी रविवार को आयोजित किया जाता। अगले महीने June 25 का जिहड़ा हवन यज्ञ है वह शाम को रविवार शाम को 6 तो लैके महामाई की कृपा तक जिहड़ा वह चलता रहेगा। आप समुची संगत को यही बेनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगले महीने जिहड़ा हवन यज्ञ होएगा वह शाम 6 तो महामाई की कृपा तक होएगा। सारिया संगत ने उस पहुंचने की कृपालता करनी है जी। फिर एक बार तो महामाई बगला मुखी के चरणों बारंबार प्रणाम है और यही आशीर्वाद असी मां तों मंगदे हां कि मां अपनी कृपा दृष्टि अपने भगतां ते बना के रखो। जय मां बगला मुखी जी। रमन शिव मंदिर पृथ्वी नगर किशनपुरा में 1.25 लाख श्री राधे नाम जाप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत सुबह 6 से पूजा के साथ हुई। निरंतर चल रहे इस महायज्ञ में हजारों की संख्या में यजमानों व इलाके के लोगों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर सभी के सुखमयी जीवन की मंगल कामना की, जिसके बाद माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें महंत अशोक शर्मा एंड पार्टी, कमल खन्ना एंड पार्टी ने देर शाम तक माँ की मधुर भेंटों को गाकर सारे वातावरण को भक्तिमय बनाया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, कांग्रेसी नेत्री पवन सूरी, राजकुमार सूरी और मधु साई ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा रमन शिव मंदिर के आयोजकों को इस धार्मिक कार्य के लिए बधाई भी दी। इससे पहले करवाए गए सत्संग समारोह में साध्वी स्वामी शिवा भारती ने विशेष रूप से उपस्थित होकर सत्संग के माध्यम से सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर पंडित संजीव कुक्कन, मोनू शर्मा, अमित कुमार, ललित शर्मा, अमित शर्मा, विकी मोहित, ललित शर्मा, संजू सहगल, विकी अरोड़ा, संजय शर्मा, दविंदर काका, विवेक शर्मा, विकास मेहता, जवाहर शर्मा, कैलाश शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। होश
सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन प्रधान कमल भगत सोनू के अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान शिव शक्ति नौजवान सभा एवं नगर कमेटी की ओर से ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस के डी भंडारी, आप नेता बॉबी ढल, अंजलि भगत, श्रीकट जज विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर लक्की भगत, संदीप भगत, राकेश कुमार, जीता, प्रदीप भगत, चरणजीत कटारिया, बूटा भगत, गुलशन भगत, बिल्लू भगत, अमित कटारिया, मोहनलाल कटारिया, कमल कश्यप, आजाद जायसवाल, सुदेश भगत, सोनू सहोता, संदीप भगत, संजीव भगत, विकी कश्यप, गोलू कश्यप सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गांधी कैंप रामनगर के विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर साल साड़ी नौजवान जी पीढ़ी है बहुत ही भव्य तरीके शोभा यात्रा रामनगर गांधी कैंप को निकालते हैं। मैं सारे नौजवान वीर बहुत ही बधाई दिता। मैं दोबारा एक अरदास करूँगा कि साढ़े सारे के घर खुशियां तो मंगल हो। जो गुरु महाराज का संदेश है, जो उन्होंने सरल बाणी है जी कि ग्रंथ साहब के महाराज में भी प्रकाशित है, असं वो उपर चल के अपने जीवन सफल करिए। गुरु महाराज जी ने जात पात तो मुक्त होने का सानू एक संदेश दिता है, मानस की जात सभी की पहचान। मैं सारी प्रबंधक कमेटी को गांधी कैंप कबीर नगर, शीतल नगर, रामनगर के सारे निवासियों बहुत ही बधाई देना। मैं महाराज की अरदास करूँगा साडा समाजिक भाईचारा इस तरीके मजबूत रहे। असं हर धर्म और समाज की सेवा करिए, पंजाब में सूबा नंबर एक बनाइए, जलंधर शहर में वधिया शहर बनाइए और गांधी कैंप में वधिया एक नगर बनाइए। उसके सारे रल के प्रयास करिए और मैंने सारी टीम ने बुलाया है।
श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे स्वर्गीय अविनाश चड्डा की साली व समाज सेविका ज्योति चड्डा की मासी सास स्वर्गीय सरदारा खन्ना का गत दिनों निधन हो गया था, जिनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। पंडित गुलशन शर्मा ने स्वर्गीय सरदारा खन्ना की आत्मिक शांति के लिए पाठ पढ़ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पूर्व पार्षद अश्विनी भंडारी, पूर्व पार्षद अर्जुन पप्पी, भाजपा नेता दिनेश खन्ना, पवन धवन, अश्विनी शर्मा धूपवाले, श्री देवीतला मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, पूर्व पार्षद विपन चड्डा बब्बी, दीपक सूरी, एडवोकेट संदीप थापर, आशु सिंगला, अजय लाली सहित पारिवारिक सदस्यों में ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, कृष्ण चड्डा, प्रेम चड्डा, नागेश चड्डा, रोहन चड्डा, सुषमा चड्डा, रीटा चोपड़ा, मोहित पुरी, रितु सूरी, विशाल सूरी, पूनम सूरी सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरदारा खन्ना को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। हर बंदे ने उन्हें एक बेनती आज बहन सरदारा खन्ना और मैं की दशा मानू ती जल्दी सकती स्वामर हो जाए यहां तो एक ग्रस्तनी बन जाती जेली एक बुजुर्ग बहन मैं मां नहीं कहूंगा एक बहन जल्दी सती हो जाए ना मुंडा क्रियाकर्म करवाओ ना करवाओ वो एक स्वर्ग का आज चड़ा साहब जी के पोते पीयूष जी किशन लाल बच्चे जिसको कित होए कहना पंडित जी पोता हो दूजा पोता हो पर देखो उन्होंने अपने चेहरे पर आज तक कोई कशक नहीं आने दी कि मेरे बच्चे मैं छड़ के प्रसिद्ध समाज सेवक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति चमन लाल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया जैन भवन जालंधर में की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी, श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर पारिवारिक सदस्यों के साथ दुख साझा किया और स्वर्गीय चमन लाल को श्रद्धा सुमन भेंट किए। दिवंगत आत्मा एक भले भरे हुए फुलवारी और बगीचा लगाकर के प्रभु चरणों में विराजे हैं। अपने पीछे धर्मपत्नी संतोष रानी, बड़ा बेटा मनोज कुमार और पुत्र वधु मीनाक्षी, छोटा बेटा स्वर्गीय सुनील कुमार व पुत्र वधु एकता, पोते पोतियां कबीर शिवम पलक काजल वाणी तथा शिवांगी,
बेटी गीता सोमती और दामाद आशु सोमती और साथ ही साथ बड़े भाई और छोटे भाई उनके परिवार बड़े भाई सुखदेव राज और भाभी कमला रानी और तिलक राज और भाभी रानी छोटे भाइयों में जोगिंदर पाल और भाभी शारदा जी और सुभाष चंद्र जी और भाभी रेणु तथा भाभी राजरानी और उनका परिवार देखकर हैंडपूल का कारोबार स्थापित करके सभी को धर्म कर्म के मार्ग पर चलते हुए और सत्कर्म करने का प्रेरणा देकर और सभी को अपने अपने कामों में और सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करते हुए आज प्रभु चरणों में विराजे हैं। He was a pillar, our strength. Our home bloomed with your presence. Our heart felt your essence. Every corner of our home will miss you. Your fragrance and your charm. And yours, our pillow, will be truly missed. All my life, I'll keep with me the memories of us two and how lucky I am to be called your granddaughter. We love you, Daddy, and we'll miss you. और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर की जंडियाला गुरु पुलिस ने गैंगस्टर राणा कंदोवालिया के तीन साथियों को किया गिरफ्तार। एक पिस्तौल, तीन कारतूस, दो गोलियों के खोल और हेरोइन की बरामद। जालंधर के हरगोबिंद नगर के पास एक खाली प्लाट में से लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। लहरागागा पुलिस ने भैंस व्यापारी से लूट करने वाले तीन आरोपियों को किया काबू, दो मोटरसाइकिल किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।
पावर कलोनी जी 33 KV पावर कलोनी यदा नाम आ क्योंकि पहला 33 KV तो सप्लाई आँदी सी नाम उदो इस तरह पै गया। इतने असी 66 KV सब स्टेशन ग्रिड जोड़ा आ वो स्थापित किया और ये नाल दो फीड इतने है गए पहला ग्रिड 66 KV सुनाम एक 220 सुनाम वो दोवां दे उत्ते डी लोडिंग होणगे उन्हां दे उत्ते जो हैगा सीगा सप्लाई का लोड वो घट जूगा इत्थे मिलेगी। और इस तों इलावा 1.25 किलोमीटर का जिहड़ा एरिया है उन्हूं असी अंडरग्राउंड केबलिंग राहीं उहदे नाल जिहड़ा आ उह जोड़ देना। लगभग 1.25 करोड़ रुपया जिहड़ा इस प्रोजैक्ट दे उत्ते खर्च आउणा आ और इहदे नाल सुनाम दे विच आस पास के पिंडां दे विच खास तौर पर उद्योगिक खेत्र दे विच सप्लाई की जिहड़ी आ उह बेहतरी हो जाएगी। ये काम है जिहड़ा उह इन्हां दोनों ग्रिडां दे मसलियां दे विच होया सुनाम दे विच और ईलवाल दे विच 266 KV ग्रिड ने जिहड़े वो एसटैबलिश हो रहे हैं। दोनों की तकरीबन कॉस्ट है वो 12-12.5 करोड़ के करीब बन जानी है। तो इन्हों दोनों ग्रिडा के नाल सुनाम हल्के की सुनाम इलाके की आने वाले तकरीबन 15-20 साल की जिहड़ी बिजली की जरूरत है वो ये पूरी हो जानी है। सो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ मेरे वीर हरभजन जी का CM साहब का कि जिन्होंने साडे मंग दे उपर यह पूरा किया और इस तो अलावा होर भी कोई भी मसला होवे ते सरकार तुहाडी अपनी है CM साहब असी सारे तुहाडे अपने आ कोई मसला होवे जरूर दसो।